नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, और इसमें हम हाईवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुझे पेन सेलेक्ट करने दो एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ रोड रेस्ट इज कॉल्ड। तो आपको सिंपली बताना है दोस्तों उस लेयर का नाम जिस पर रोड की फाउंडेशन टिकी होती है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों सब ग्रेड लेयर। देखो इस टाइप से सब ग्रेड, और इसके ऊपर टोटल पेमेंट हमारा होता है। इसमें कई लेयर होती हैं, ये डिपेंड करता है दोस्तों टाइप्स ऑफ पेमेंट पर, मतलब रिजिड पेमेंट में अलग होगी और फ्लेक्सिबल पेमेंट में अलग होगी। रिजिड पेमेंट में दोस्तों तीन लेयर हमको देखने को मिलेगी, पहला सब ग्रेड, उसके बाद बेस कोर्स, उसके बाद सरफेस कोर्स या फिर बियरिंग कोर्स। बात की जाए फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो इसमें चार लेयर हमको देखने को मिलती है, नीचे सब ग्रेड, उसके ऊपर सब बेस, ठीक है सब बेस, फिर उसके ऊपर बेस कोर्स, और टॉप वाली लेयर को बोलते हैं वेयरिंग या सरफेस कोर्स। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा कि कितनी लेयर होती है रिजिड पेमेंट में और कितनी होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने स्क्रीन पर, इन रिजिड पेमेंट्स द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स स्पेसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड एज। तो दोस्तों रिजिड पेमेंट में हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं और उसकी आपको स्पेसिंग बतानी है, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन दी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो ये होता है दोस्तों 4.5 मीटर। अब देखो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और एक्सपांशन जॉइंट बहुत बड़े टॉपिक हैं, यहाँ पर डिस्कस करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, इनका डिज़ाइन अलग होता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट 4.5 मीटर इसकी मैक्सिमम स्पेसिंग होती है। इसमें हम डबल बार भी यूज करते हैं, उसका डिज़ाइन भी पूछा जाता है। ठीक है, वो ऑलरेडी हम करा चुके हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है दोस्तों, बैंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन इज यूज फॉर द डिजाइन ऑफ। तो आपको बताना है दोस्तों जो बैंकलमैन बीम होता है उसको हम किसके डिजाइन में यूज करते हैं। देखो ये हमारा पेमेंट, टोटल पेमेंट, ठीक है। अगर आपसे पेमेंट के बारे में पूछा जा रहा है तो उसका मतलब है दोस्तों पेमेंट होता है हमारा सभी लेयर्स को मिला के बनने वाला, ये होता है दोस्तों टोटल पेमेंट। ठीक है, ना कि ऊपर वाली सरफेस को हम पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सब ग्रेड से ऊपर जितनी भी लेयर होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, पेमेंट्स लेयर बोलेंगे, और टोटल को हम बोलेंगे पेमेंट। तो इसके ऊपर हम एक लेयर और प्रोवाइड कराते हैं, ये किस पर्पज से करते हैं। तो देखो अगर वियरिंग कोर्स में डिफेक्ट आ जाते हैं, मतलब फेलियर हो जाता है या गड्ढे पड़ जाते हैं, या फिर आपको लग रहा है दोस्तों इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है, तब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लेयर और प्रोवाइड करा देंगे, और इस लेयर को बोलते हैं हम ओवरले। इसको क्या बोलते हैं, ओवरले। और इसकी थिकनेस हम किससे निकालते हैं, इसकी थिकनेस निकालते हैं दोस्तों बैंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड से, और ये थिकनेस आती है दोस्तों एच इक्वल टू 550 लॉग ई डी सी अपॉन डी ए। डी सी क्या है, डी सी है दोस्तों करेक्टेड डिफ्लेक्शन, और डी ए है दोस्तों अलाउेबल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, ए व्हीकल इज मूविंग ऑन ए रोड ऑफ ग्रेड पॉजिटिव 4% एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेड दिया है, ग्रेड पॉजिटिव 4%, स्पीड दिया है u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। कंसिडर द कोफिशेंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एज 0.46, और यहाँ पर दिया है दोस्तों f इक्वल टू 0.46। ये दोस्तों कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन, या इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन भी बोलते हैं।
लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेते हैं, ज़्यादा हो रही है। फिर आगे बोला है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आप सभी जानते हैं इसका मान होता है जी इक्वल टू अप्रोक्स 10 के इक्वल लेते हैं हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स टू रीच ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल स्पीड दी है दोस्तों आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक वी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है रिक्वायर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, तो आपको बताना है दोस्तों इसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी आएगी। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। देखो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला आपने देखा होगा एस एस डी निकालने का। एक होता है दोस्तों लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, इस टाइप से मैं एस एस डी निकालता हूँ। बट मुझे यहाँ पर एस एस डी नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे लेग डिस्टेंस से कोई भी मतलब नहीं है, और ब्रेकिंग डिस्टेंस दोस्तों कैसे निकालते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालते हैं ब्रेकिंग टेस्ट से। कैसे दोस्तों आइए समझते हैं। देखो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारी सरफेस है, रोड सरफेस, और इस पर दोस्तों एक व्हीकल है ये जिसकी इनिशियल स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर ब्रेक लगाने चालू किए, मतलब ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाने के एकदम बाद ये नहीं रुकेगा, थोड़ी दूर चलने के बाद दोस्तों रुकता है। तो लेट सपोज यहाँ पर ये फाइनल पोजीशन ऑफ व्हीकल, और इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब अभी भी ये नहीं रुका है। तो ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों बात आती है वर्क डन की, जो इक्वल हो जाता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखो भाई जितना आपने काम किया वो किसमें चला जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी को कम करने में वो वर्क डन आपका खर्च हो जाएगा। और वर्क डन को कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं दोस्तों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। देखो यू क्या है इनिशियल स्पीड, और वी क्या है दोस्तों फाइनल स्पीड, तो इसके लॉस को क्या बोलेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बोलूं दोस्तों एफ क्या है, एफ है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, एफ दोस्तों यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यहाँ से आप सिंपली निकाल सकते हैं एफ का मान, एफ होता है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम स्मॉल एफ लिखेंगे इनटू नॉर्मल। नॉर्मल कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा F इक्वल टू स्मॉल f इंटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है दोस्तों, ये हमारा व्हीकल है तो इसका वेट नॉर्मल एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर एक्ट करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इसी को हम क्या लेंगे, इसी को हम नॉर्मल लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कैपिटल W, मतलब वेट ऑफ व्हीकल, ये इक्वल हो जाएगा दोस्तों हाफ एम u स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आपने दोस्तों सिंपल w इक्वल टू mg पुट कर देना है। w इक्वल टू जब आप mg पुट करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों m से m कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से बचेगा दोस्तों F इंटू जी इक्वल टू हाफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, और जब आप निकालेंगे यहाँ से देखो, अरे उसमें हमने यहाँ पे L लगाना भूल गए हैं, क्योंकि ये जो
फॉर्मूला होता है पूरा, ये किसका होता है दोस्तों, वर्क डन का, और वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एल, तो यहाँ पे एल भी ऐड कर लेना, ये हो जाएगा आपका इंटू एल। तो हमको क्या निकालना है, हमको ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो जाएगी दोस्तों यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू जी एफ, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ग्रेडियंट भी ऐड कर देते हैं प्लस माइनस एन परसेंट कॉस्ट में। तो फाइनल जो हमारी इक्वेशन बन के आती है दोस्तों, ये आती है हमारी L इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू जी एफ प्लस माइनस एन परसेंट। देखो अगर अपग्रेड है मतलब उसको लेंगे पॉजिटिव और यहाँ पे पुट कर देंगे पॉजिटिव, और अगर डाउन ग्रेडियंट मतलब असेंडिंग, देखो इसको बोलते हैं असेंडिंग ग्रेडियंट, असेंडिंग ग्रेडियंट, और अगर डिसेंडिंग है तो उसको लेंगे दोस्तों नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे दिया है असेंडिंग ग्रेडियंट पॉजिटिव 4%, तो रखेंगे सभी वैल्यूज़ को, हमारे पास एल का वैल्यू मिल जाएगा। यू कितना है, यू है दोस्तों आपका 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस, और वी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 इंटू एफ, एफ कितना है 0.46 और प्लस 4%, और परसेंट को जब हम हटाएंगे दोस्तों तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.04। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन में 20 अपॉन 0.46 प्लस 0.04, ये आ जाएगा आपका 30 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। देखो मैंने ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट क्यों नहीं कराया, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों एल इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी एफ प्लस माइनस एन परसेंट। यहाँ पर दोस्तों जो वी है ये होती है इनिशियल स्पीड, और ये किस केस में है, जब व्हीकल पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, बट यहाँ पर दोस्तों व्हीकल स्टॉप नहीं हुआ है, व्हीकल की फाइनल स्पीड अभी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसलिए मैंने आपको पूरा फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया कैसे ये फॉर्मूला आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर, क्वेश्चन नंबर 5th है दोस्तों इन रोड कंस्ट्रक्शन द टेस्ट कंडक्टेड ऑन एग्रीगेट। तो आपको बताना है दोस्तों जो हम एग्रीगेट पर टेस्ट करते हैं इन रोड कंस्ट्रक्शन मतलब हाईवे में, हाईवे मटेरियल पढ़ते हैं वहाँ पर हम एग्रीगेट पर कुछ टेस्ट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज जानने के लिए, तो वे टेस्ट के नाम आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इम्पैक्ट टेस्ट, सेप टेस्ट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट, तो देखेंगे बाद में इसको, पहले ऑप्शन बी देख लेते हैं, सी बी आर वैल्यू, डक्टिलिटी टेस्ट, क्रैशिंग टेस्ट। फिर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिटुमिन एडिजन टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट। फिर है ऑप्शन नंबर डी परमेबिलिटी टेस्ट, क्रैशिंग टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट। तो जानते हैं दोस्तों पहले ऑप्शन में, देखो इम्पैक्ट टेस्ट बिल्कुल करते हैं हम, इम्पैक्ट टेस्ट किस लिए करते हैं, टफनेस निकालने के लिए ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। बात करते हैं सेप टेस्ट की, तो सेप टेस्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों, सेप टेस्ट में हम एक तो इलोंगेशन निकालते हैं, एक फ्लैकीनेस निकालते हैं, तो ये भी करते हैं बिल्कुल, बट पेनिट्रेशन टेस्ट हम कभी भी एग्रीगेट पर नहीं करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एग्रीगेट में कोई चीज़ पेनिट्रेट हो जाएगी, नहीं दोस्तों, क्योंकि ये एक सॉलिड होता है, हार्ड सॉलिड होता है, इसलिए यहाँ पर हम पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं करेंगे, ये करते हैं दोस्तों सोइल में, ठीक है, सोइल में करते हैं, दूसरा करते हैं हम उसमें बिटुमिन में, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फिर देखते हैं दोस्तों सी बी आर, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, सी बी आर, सी बी आर हम सोइल के लिए करते हैं ना कि एग्रीगेट के लिए। डक्टिलिटी टेस्ट दोस्तों हम बिटुमिन के लिए करते हैं, क्रशिंग टेस्ट हम करते हैं एग्रीगेट के लिए, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सी बी आर वैल्यू भी दिया है। फिर देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सी बिटुमिन एडिजन टेस्ट, तो देख रहे हैं आप बिटुमिन यहाँ पर लगा है तो इसलिए बिटुमिन में किया जाता है। एब्रेशन टेस्ट हम एग्रीगेट के लिए करते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी
तो ऑप्शन नंबर डी में परमेबिलिटी टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट एंड विस्कोसिटी टेस्ट। तो ये आपका किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है बिटुमिन के लिए। ठीक है, मुझे इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, तो आप खुद से देख सकते हैं, आप खुद से लगा लेना जो भी आपको अच्छा लग रहा है। वैसे इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आप देख रहे हैं ये भी गलत होगा, क्योंकि ये दो टेस्ट हम करते हैं बट तीसरा टेस्ट हम नहीं करते हैं। ये दो हम नहीं करते हैं, फोर एग्रीगेट ये करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। बिटुमिन ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें नहीं दिए हैं, इसलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों, इन ए ब्रेकिंग टेस्ट ए व्हीकल वॉज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 45 km/h। तो यहां पर दोस्तों इनिशियल स्पीड दिया है 45 km/h एंड वॉज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक। और दोस्तों जब हमने ब्रेक लगाई ये रुक जाता है। द स्कीड मार्क वर 10 meters इन लेंथ। और यहां पर दोस्तों स्कीड मार्क दिया है, समझेंगे स्कीड मार्क क्या होता है, 10 meters। डिटरमाइन द स्कीड रेजिस्टेंस, तो यहां से पूछा है आपसे स्कीड रेजिस्टेंस क्या होगा। तो स्कीड रेजिस्टेंस दोस्तों इज नथिंग बट द ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस जो हमने अभी देखा दोस्तों सेम वही चीज है। बस यहां पर क्या करना है आपने, यहां पर दोस्तों v फाइनल इक्वल टू 0 ले लेना है, क्योंकि देखो जो व्हीकल है वो ब्रेक लगाने के बाद दोस्तों रुक जाता है, तो फाइनल स्पीड क्या होगी, 0। इनिशियल दिया है 45 km/h। अब देखते हैं दोस्तों स्कीड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, एफ इक्वल टू माइनस ए अपॉन जी। यहां पर दोस्तों माइनस ए क्या है, माइनस ए है दोस्तों डी एक्सीलेशन, क्योंकि जब गाड़ी रुकेगी दोस्तों ब्रेक लगने के बाद तो उसकी स्पीड धीमा होगी ना कि तेज, इसलिए हम बोले हैं डी एक्सीलेशन। तो आपने अगर यहां से ए निकाल लिया, इसमें रख देंगे जी, आपके पास है जी कितना होता है 9.81 m/s². ए अगर आप निकाल सकते हैं यहां पे रखेंगे, आपका स्कीड रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमारा मेन काम क्या है दोस्तों, ए को निकालना। तो आइए समझते हैं ए कैसे निकालेंगे। तो ए के लिए दोस्तों हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, यह आपने 9th में पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों v² - u² = 2as। देखो इसका कब यूज करेंगे, अगर दोनों स्पीड आपको दिया है, s दिया है, s क्या है दोस्तों, s है स्कीड मार्क, ठीक है, कितना डिस्टेंस वो चलता है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ये वाला s आपको दिया है 10 meters। तो आप यहां से a निकाल सकते हैं, देखो सभी चीज़ें दी हैं तो a निकाल लेंगे यहां से। v कितना दिया है, v है दोस्तों 0, रुकने के बाद स्पीड 0। ये हो जाएगा u² = 2 * a * s। s कितना दिया है 10, u आपको दिया है कितना दोस्तों 45 km/h। तो देखो मुझे l दिया है मीटर में और ये है दोस्तों km/h में, मतलब किलोमीटर में, तो मुझे इसको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 45/3.6 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में। तो करने पर आता है दोस्तों 45/3.6, ये आ जाएगा 12.5, मतलब जो अब u आएगी आपकी वो आएगी 12.5 m/s। रखेंगे यहाँ पर, देखते हैं क्या आता है। तो यह आ जाएगा हमारा माइनस u 12.5² / 20। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 7.81, मतलब a का वैल्यू आया है 7.81 m/s². देखो a आ गया है हमारा, जी हमको पता है, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस ए अपॉन जी। देखो माइनस का आया है ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनको डिवाइड करेंगे कितना आएगा देखते हैं, 9.81 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा दोस्तों 0.7796, तो मतलब अप्रोक्स 0.78 के करीब आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है,
द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए कार मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज प्रोपोर्शनल टू। देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है, ठीक है, आप सभी जानते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है। इस पर एक कार जा रही है, तो देखो अगर कोई चीज़ एक कर्व पाथ पर मूव करती है तो उस पर दोस्तों दो फोर्स लगते हैं, एक अंदर की ओर लगता है, एक बाहर की ओर लगता है। अंदर की फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में दोस्तों एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो होता है दोस्तों डब्लू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, डब्लू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस डिपेंड अपॉन, आपको बताना है स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो देखो पहले इसके फॉर्मूले पर चलते हैं, एस बराबर होता है दोस्तों, एस एस डी बराबर होता है लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, लेग डिस्टेंस होता है जब आपने ब्रेक लगाने से पहले कुछ टाइम सोचा, ठीक है, आप सोचते हैं ना कुछ टाइम, आप सोचते हैं वो कितना होता है टाइम दोस्तों, 2 सेकंड होता है या फिर 2.5 सेकंड होता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों लेग डिस्टेंस। और ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों वी इंटू टी आर, वी क्या है दोस्तों स्पीड और टी आर क्या है रिएक्शन टाइम, जितने टाइम में आपने सोचा। तो यहाँ से देखते हैं टोटल रिएक्शन टाइम पे भी डिपेंड करता है, स्पीड पर भी डिपेंड करता है, और दोस्तों ब्रेकिंग डिस्टेंस ये तो इफिशेंसी पे डिपेंड करती है, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf प्लस माइनस n%। एफ क्या है दोस्तों, एफ है हमारा, एफ है कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, और जो एक्चुअल में इफिशेंसी ऑफ ब्रेक पर डिपेंड करता है। देखो जब हम टेस्ट करते हैं, जब हम दोस्तों टेस्ट करते हैं तो इफिशेंसी ऑफ ब्रेक हम कितना लेके चलते हैं 100%, बट अगर आपको क्वेश्चन में 100% नहीं दिया है इफिशेंसी ऑफ ब्रेक तो आप क्या, मतलब वहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, लेट सपोज 50% दिया है, और कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया है दोस्तों 0.35 या 0.4 दिया है, चलो ठीक है, तो आप क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आपका निकलेगा एक्चुअल कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, तब आपका निकलेगा दोस्तों एक्चुअल कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये कितना हो जाएगा 0.5 × 0.4 0.2, ठीक है, मतलब अब आपका जो एक्चुअल में लग रहा है फ्रिक्शन वो इतना लग रहा है ना कि 0.4, ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th पर। क्वेश्चन नंबर 9th में दोस्तों आपको बताना है द शिफ्ट ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड लेंथ 48 मीटर। तो दोस्तों आपने बताना है शिफ्ट इन केस ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और इसका रेडियस दिया है 300 मीटर और लेंथ दिया है 48 मीटर। देखो पहले समझते हैं शिफ्ट क्या होता है। देखो शिफ्ट होता है दोस्तों जब हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कराते हैं बिटवीन द स्ट्रेट रोड एंड सर्कुलर रोड। आपको पता होगा ट्रांजिशन कर्व हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं, हम प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों इसके बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है, तो स्ट्रेट रोड को सर्कुलर रोड से जोड़ने के लिए, सर्कुलर रोड से जोड़ने के लिए जिससे कि सडन जर्क ना लगे, ठीक है, उसके लिए हम प्रोवाइड कराते हैं ट्रांजिशन कर्व। बट कभी कभी क्या होता है ट्रांजिशन कर्व अच्छे से इसको मीट नहीं करता, तो हमको थोड़ा सा ऊपर ये शिफ्ट करना पड़ता है, और ये कितना होता है दोस्तों एल एस स्क्वायर अपॉन 24 आर, ठीक है, इतना अमाउंट का आपने इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। एल एस क्या है दोस्तों, एल एस है हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व कितना दिया है 48, आर क्या है दोस्तों रेडियस, दोनों को रखेंगे शिफ्ट हमारा निकल जाएगा, कितना होगा ये एल एस 48 स्क्वायर अपॉन 24 × r, r क्या है दोस्तों r रेडियस है, ये हो जाएगा आपका 48 स्क्वायर अपॉन 600 3.2
लेट मी चेक, फोर्टी एट स्क्वायर अपॉन 24 इंटू 300, हाँ ये 300 था ना कि 600, तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.32, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में आपने बताना है दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटुमिन। ये कल भी कराया था मैंने, शायद ये गलती से दोबारा ऐड हो गया है। ये होता है दोस्तों 0.97 से लेकर 1.02, ठीक है। और टार का भी बताया मैंने, टार का कितना होता है 1.10 से 1.25, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th पढ़ते हैं, आपको सिंपली बताना है दोस्तों वाटर बाउंड जो मैकेडम रोड होता है उसमें कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जानना होगा वाटर बाउंड मैकेडम का मतलब क्या होता है। वाटर बाउंड मैकेडम इसको बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में WBM। तो समझते हैं, देखो ये हमारा सबग्रेड है, सबग्रेड में ऑब्वियसली बात है भाई मिट्टी होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा दोस्तों सब बेस, उसके बाद आएगा बेस कोर्स, उसके बाद आएगा हमारा वियरिंग कोर्स। तो हम वियरिंग कोर्स में पहले टाइम में क्या करते थे दोस्तों, हम वियरिंग कोर्स में डस्ट प्लस, देखो ऐसे करते थे, क्रश स्टोन लेते थे, क्रश स्टोन प्लस फिलर मटेरियल प्लस बाइंडिंग मटेरियल वाटर को यूज करते थे। इनको अच्छे से कंपैक्ट करके एक वियरिंग कोर्स तैयार करते थे जिसको बोलते हैं दोस्तों WBM। अब यहाँ पे पूछा है हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सीमेंट इसमें कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, सीमेंट की जगह क्या यूज करते थे दोस्तों वाटर, ठीक है। सैंड इसमें यूज़ नहीं करते हैं, ब्रिक डस्ट इसमें यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, इसमें हम यूज़ करते हैं स्टोन डस्ट। जो मैंने बताया फिलर मटेरियल वो क्या है दोस्तों, स्टोन डस्ट है। ये क्या करता है, ये क्रश स्टोन के जो वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स ऑफ क्रश स्टोन, उसमें फिल हो जाता है अच्छे से पैक होके, तब इसमें हम दोस्तों वाटर डालते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्शन फॉर लो वॉल्यूम रूलर रोड्स। तो आपको बताना है दोस्तों रूलर रोड्स में मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्शन। जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है, जैसी बात है भाई रिजिड पेमेंट है तो किसका बना होगा, सीमेंट कंक्रीट का बना होगा। तो इसमें आपने मिनिमम ग्रेड या मिनिमम स्ट्रेंथ बतानी है कंक्रीट की, तो ये होता है दोस्तों M30 मिक्स, M मतलब मिक्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट द बेसिक फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पेमेंट थिकनेस। आपको बताना है पहले पर्सन जिन्होंने सबसे पहले पेमेंट थिकनेस निकालने का एक फॉर्मूला दिया था, तो उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए केली, चलो इसका जान ही लेते हैं कौन थे में, ये थे दोस्तों गोल्ड बैग, ठीक है। ये गोल्ड फ्लैग नहीं है, ये है गोल्ड बैग। ये साइंटिस्ट थे दोस्तों जिन्होंने पेमेंट थिकनेस को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्जर स्ट्रेंथ बताया, फ्लेक्जर स्ट्रेंथ। आप सभी को बताया फ्लेक्जर स्ट्रेंथ मतलब बेंडिंग स्ट्रेंथ के बेसिस पे इन्होंने थिकनेस निकाली, और थिकनेस कितनी आई दोस्तों, थिकनेस थी हमारे डी इक्वल टू अंडर रूट 3W अपॉन सिग्मा मैक्स, ठीक है। ये क्या है दोस्तों 3W, W है हमारा वेट ऑफ व्हील मतलब व्हील लोड है, और सिग्मा मैक्स है बेंडिंग स्ट्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों
द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड्स शुड नॉट एक्सीड। तो आपको बताना है दोस्तों मैक्सिमम सुपर एलिवेशन हिल रोड के केस में। देखो यहाँ पर बात आती है हिल रोड, तो इसमें दो कंडीशन आती है दोस्तों। एक होता है दोस्तों स्नो बाउंड, मतलब जिस पर बर्फ होती है। एक होता है दोस्तों विदाउट स्नो बाउंड। तो स्नो बाउंड के केस में दोस्तों हम साथ लेते हैं और विद स्नो के केस में हम दोस्तों 10% लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया है, देखो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 10%। 10% से कभी भी हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10%। अब समझ लेते हैं दोस्तों सुपर एलिवेशन एक्चुअल में होता क्या है। बोलते मुंह भी सूख गया भाई। सुपर एलिवेशन का मतलब क्या है? देखो सुपर एलिवेशन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं आपको, तो आपने देखा होगा जब आप किसी कर्व रोड पर चलते हैं तो भार की ओर एक पुश लगता है, आपने देखा होगा बाहर की ओर दोस्तों एक पुश लगता है, और उसी पुश को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये कर्व रोड बिल्कुल फ्लैट है, मतलब इसके इनर और आउटर एज एक ही लेवल पे हैं, तब दोस्तों आपको ज़्यादा फील होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए अंदर की साइड कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम दोस्तों आउटर सरफेस को इनर सरफेस के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा उठा देते हैं इस टाइप से। ये इनर एज है और ये आउटर एज है, तो आउटर एज को यहां पे हम ले आए उठा के, पहले यहां पर था दोस्तों, अब हम दोस्तों यहां पे ले आए। और अगर इस पर एक व्हीकल है तो आप देखेंगे दोस्तों व्हीकल का डाउनवर्ड जो वेट है वो इसको हेल्प करेगा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए। पहले नहीं था, अब दोस्तों देखो पहले क्या था, पहले यहाँ पे था फोर्स लग रहा था बाहर की ओर और व्हीकल का वेट एक्ट कर रहा था नीचे की ओर। अब आप देखेंगे जब मैंने इसको टिल्ट कर दिया तो देखो वेट तो नीचे की ओर ही लगेगा, बट इसका एक कंपोनेंट ऐसे लगेगा डब्लू, अगर बात करें ये हो जाएगा डब्लू कोस थीटा और ये हो जाएगा दोस्तों डब्लू साइन थीटा। तो अब डब्लू साइन थीटा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि ऐसे लग रही है उसको काउंटर करने लगेगा, ठीक है। तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस कर्व रोड पे चलने में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराते हैं टू काउंटर एट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय राइजिंग द आउटर एज विद रेस्पेक्ट टू इनर एज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कर्व, मतलब पूरे रोड में आपने ये काम करना है। और इसका मान कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों, ये होता है ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। अब समझते हैं ई क्या है। ई दोस्तों इस ई है हमारा सुपर एलिवेशन, एफ है दोस्तों यहां पर लेटरल फ्रिक्शन। देखो इस वीडियो में सारी चीजें तो बताना पॉसिबल नहीं है, जितना हो सकता है उतना बता रहा हूं। लेटरल फ्रिक्शन जिसका वैल्यू होता है 0.15, ये भी आपको ध्यान रखना है। V है दोस्तों डिजाइन स्पीड, G आपको बताया, R है उस कर्व की रेडियस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर मैं R को बढ़ाता जाऊँ तो एक कंडीशन ऐसी आएगी दोस्तों जब E प्लस F आपको बहुत ही कम रिक्वायर्ड होंगे, मतलब E का मान आपको बहुत ही कम चाहिएगा, इतना कम कि आप उसको फ्लैट भी बना सकते हैं। तो एक R ऐसी आती है जिसके बियॉन्ड कोई भी सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों आर मैक्स, ठीक है। इसको भी देखेंगे क्या होता है। अब यहां पर आपको क्या चीजें जानना है, देखो यहां पर आपको जानना है एफ कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन जिसका मान पूछा जाता है 0.15, ई ये तो हम निकाल लेंगे, और ये दोस्तों टेरेन पर भी डिपेंड करता है। टेरेन अगर प्लेन और रोलिंग टेरेन है
तो इसका मान लेते हैं दोस्तों मैक्सिमम 7%। और अगर हिली टेरेन है तो मैंने बताया था दोस्तों 7% एंड 10% लेते हैं। और अगर ये आपका अर्दन रोड है, अर्दन रोड में दोस्तों इसको 4% लेते हैं। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15, द ब्रेक इफिशेंसी इन द ब्रेकिंग टेस्ट इज एज्यूम एज। आपको बताना है दोस्तों ब्रेक इफिशेंसी जब हम ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं तब हम कितनी लेके चलते हैं, तो ये लेते हैं दोस्तों 100%। अगर 100% नहीं लेंगे तो दोस्तों हमारा जो एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो लेस आएगा, ठीक है। इसलिए हम 100% लेके ब्रेकिंग टेस्ट कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, इफ द एक्सीलेशन ऑफ व्हीकल इज 6.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है एफ का वैल्यू और ये क्या होता है ए अपॉन जी। ए कितना है 6.17 और जी कितना होता है दोस्तों 9.81, या आप 10 भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप 10 ही लेना, ये हो जाएगा 0.617, मतलब 0.61 नहीं, ये हो जाएगा 0.62, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज पर आईआरसी। तो देखो आपको बताना है लेटरल कोफिशिएंट फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो ये होता है दोस्तों 0.15। अगर पूछा जाए कितना होता है 0.15, बट अगर ये पूछा जाए ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, तो दोस्तों ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम इतना जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि भाई कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन तो अच्छी बात है, स्किड होने से बचाता है, तो इसका मैक्सिमम क्यों हम फिक्स कर रहे हैं कि भाई इतना ही जाना चाहिए, इसको तो कितना भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब है ये दोस्तों फोर्स के हिसाब से बढ़ता है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे ये इंक्रीज होता जाएगा। अगर फोर्स जीरो है इसका मतलब क्या है, आपका कोफिशिएंट भी जीरो होगा, बट ये एक मैक्सिमम लिमिट तक रीच कर सकता है जितनी की इसकी कैपेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन मीटर फॉर डिसेंडिंग ग्रेडियंट। यहाँ पर दोस्तों डिसेंडिंग ग्रेडियंट दिया है जिसको लेंगे नेगेटिव, एंड डिजाइन स्पीड ऑफ 80 km/h, टेक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35 एंड टोटल रिएक्शन टाइम इज 2 सेकेंड। दोस्तों मैं अभी एक बार पानी पी लेता हूँ, आप इसको खुद से करके देखना, आपके पास एक मिनट का टाइम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो हमको क्या क्या चीज़ें दी हैं, हमको दिया है दोस्तों डिजाइन स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, टोटल रिएक्शन टाइम और डिसेंडिंग ग्रेडियंट। तो सिंपल है, एसएसडी निकालना है आपने, एसएसडी इक्वल हो जाएगा हमारा वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf प्लस माइनस n%। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है,
मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें तो कैलकुलेटर का यूज होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है एसएससी जेई में, ठीक है। तो ये गलतफहमी अपने माइंड से निकाल दें, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वे उनको मतलब नहीं है आपके पास कैलकुलेटर है या नहीं है, वे क्वेश्चन ऊट पटांग डाल देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहली बात तो आपको समझना है, जो यहाँ पर वी है वो लेंगे हम दोस्तों मीटर पर सेकंड में। ये भी हम मीटर पर सेकंड में लेंगे क्योंकि हमको एस एस डी किस में चाहिए, मीटर में। बट अगर क्वेश्चन में के एम पी एस में दिया है तो इसको मॉडिफाई करके के एम पी एस में भी लिख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 0.278 वी टी आर प्लस 0.278 वी होल स्क्वायर अपॉन 2g f प्लस माइनस n परसेंट। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, सभी वैल्यूज रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। लेट मी चेक, ये आ जाएगा आपका, चलो रख लेते हैं 0.278 इंटू वी। वी कितना है दोस्तों 80 और टी कितना है 2 प्लस। यहाँ पे 0.278, अरे इसको दोबारा करते हैं यार, ये हो जाएगा हमारा एस एस डी इक्वल टू 0.278 वी। वी कितना है 80, टी कितना है 2 प्लस 0.278 वी कितना है दोस्तों 80 है, ये थोड़े चेंज होगा, स्क्वायर कर देंगे इसका अपॉन 2 इंटू जी। जी कितना है, जी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 9.81 भी होता है और 10 भी होता है, मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है। और एफ कितना है दोस्तों 0.35, माइनस करेंगे 0.03, तो देखते हैं क्या आता है। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन बड़ा है, कैलकुलेटर का यूज होगा इसमें, और अगर आप करने बैठेंगे तो 2 से 3 मिनट वैसे ही निकल जाएंगे। बट देखो भाई क्वेश्चन आता है तो करना चाहिए। 278 इंटू 80 स्क्वायर अपॉन 20 278 इंटू 160 प्लस 0.278 इंटू 80 स्क्वायर अपॉन 20 इंटू 0.32, यह आ जाएगा दोस्तों 121.76। वन एस एस डी इक्वल टू 121.76 मीटर। एक बात दोस्तों और, ये थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं क्वेश्चन को ऑप्शन से। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तब आपको ऑप्शन बहुत, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होगा। देखो ए ऑप्शन है 110, बी ऑप्शन है दोस्तों 121, तो आप देख रहे हैं 10 का डिफरेंस है। आप इसको राउंड ऑफ करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करना वहाँ से निकल जाएगा इजीली। आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं निकालना है, आपको इसके आसपास का डाटा निकालना है, आप समझ जाएंगे 121 ही आएगा। फिर देखेंगे सी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ए और सी में, और फिर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आपको ऐसा लेंथी क्वेश्चन दे रहा है फिर आपको ऑप्शन बहुत अच्छे देगा, मतलब इजी टाइप के ऑप्शन देगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। इन फ्लेक्सिबल पेमेंट एनालिसिस इट इज एज्यूम दैट द लोड ट्रांसफर थ्रू लेयर्स बाय। देखो ये फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड ट्रांसफर कैसे होता है ये पूछा गया है, फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो दोस्तों यहां पर दो चीजें होती हैं, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट पेमेंट, एक होता है दोस्तों रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात की जाए तो फ्लेक्सिबल पेमेंट दोस्तों इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है वो होता है दोस्तों ग्रेन टू ग्रेन, क्योंकि दोस्तों इसकी फ्लेक्सिबल रिजिडिटी बहुत कम होती है, मतलब आपको पार्टिकल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। तो आप देखेंगे दोस्तों जब इस पर टोटल लोड लगेगा तो टोटल लोड दोस्तों पहले ग्रेन पर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है, ना कि लेयर टू लेयर। लेयर टू लेयर किस पर ट्रांसफर होता है दोस्तों, रिजिड पेमेंट में, क्योंकि पूरी की पूरी पेमेंट सरफेस आपकी एज ए स्लैब काम करती है, तो इसमें स्लैब एक्शन होता है और इसमें ग्रेन टू ग्रेन एक्शन होता है। तो आपको ध्यान रखना है फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपका लोड स्ट्रेस आर एब्जॉर्ब नहीं, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों।
वॉट शुड बी मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द सब ग्रेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सेसिव मॉइस्चर। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी हम रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं दोस्तों कि वाटर टेबल कहाँ पर। अगर वाटर टेबल 1 मीटर से नीचे है तो फिर तो ठीक है, हम यूज कर लेते हैं, मतलब कि हम उस पर सरफेस बना देते हैं, अपना पेमेंट तैयार कर देते हैं। और अगर वाटर टेबल दोस्तों सब ग्रेड के नियर है तब दोस्तों कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी ऊपर चढ़ जाएगा और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है। इसलिए हम कितना रखते हैं, 1 मीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपको बताना है दोस्तों जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होती है ISD वो किसके इक्वल होती है। तो ये होती है दोस्तों 2 times SSD। अब समझते हैं ISD का मतलब क्या है। देखो जब हम पढ़ते हैं ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, तो दोस्तों हमको निकालना होता है ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। बट अगर कहीं पर पॉसिबल नहीं है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना, तब मैं क्या करता हूँ दोस्तों ISD निकाल लेता हूँ। और ये किसके इक्वल आती है, ये आती है 2 times SSD के। और SSD है दोस्तों स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब ट्विक द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दोस्तों दिया है क्वेश्चन नंबर 22 में, द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए कर्व इज 100 kmph एंड दी सुपर एलिवेशन ऑन कर्व इज 7%, कैलकुलेट द रूलिंग डिजाइन रेडियस ऑफ कर्व, टेक कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हैं लिख लेते हैं। डेटा क्या क्या दिया है, भाई एक बार मुझे बच्चों को समझाने दो, बहुत शोर कर रखा है। अरे ब्रजेश यार भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, और नीचे भी जाके बोलो उनसे, ऊपर तक आवाज आ रही है। पेपर चल रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। हॉस्टल में ये सब होता है। तो डेटा दिया है हमको दोस्तों, स्पीड दिया है 100 kmph, सुपर एलिवेशन दिया है दोस्तों 7%, ये दिया है हमको 7%। आपको निकालना है दोस्तों रूलिंग डिजाइन रेडियस ऑफ कर्व, टेक कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, और आपको दोस्तों एफ का वैल्यू दिया है 0.15। अब यहाँ पे हमको निकालना है रूलिंग डिजाइन रेडियस, आर का वैल्यू, आर मीन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं आर रूलिंग। समझेंगे दोस्तों हम मिनिमम या रूलिंग डिजाइन रेडियस क्यों निकालते हैं। देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है E+F=V² / gr, यहाँ से हम समझेंगे। देखो E का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कितना, 7%, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। F का वैल्यू कितना हो सकता है, F का वैल्यू हो सकता है दोस्तों 0.15, मतलब ये अपनी मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पर दोस्तों लिमिटेशन है। अब अगर बाई चांस दोस्तों ये पूरा का पूरा वैल्यू, मतलब सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का वैल्यू, एफ का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि ई प्लस एफ उसको काउंटर ही नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों क्या होगा, फाइनली जो आपकी गाड़ी है उस पर एक नेट आउटवर्ड फोर्स लगना चालू हो जाएगा, जिसको बोलेंगे नेट, ये क्या है, ये है दोस्तों सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, मतलब नेट सेंट्रिफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो इसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको काउंटर करने के लिए दोस्तों हम आर का वैल्यू चेंज करते हैं, आर का वैल्यू चेंज करेंगे। देखो आर मैं बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, तो ये पूरा का पूरा मान आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो एक आर मैं ऐसा रखता हूँ जिससे नीचे मैं उसको नहीं ले जा सकता, जिससे नीचे मैं उसको नहीं ले जा सकता। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर अचीव करना चाहता हूँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब कि वो आर रखेंगे जिससे कि ई प्लस एफ इस पूरे वी स्क्वायर अपॉन जी आर को काउंटर कर ले।
तो इसी आर को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी आर को बोलते हैं आर रूलिंग। ठीक है, अब समझ में आया कैसे निकालते हैं? ये निकालेंगे दोस्तों वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू ई प्लस एफ सी। वी हमारे पास है, जी हमारे पास है, ई और एफ भी हमारे पास है, सिंपली निकल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा दोस्तों। देखो ये निकालना बहुत आसान था, बट इसका एक्चुअल मतलब क्या है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इतना आपको बताया। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो वी होगा ये होगा मीटर पर सेकेंड, ये भी ध्यान रखना है। ये दिया है केएमपीएस में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 0.278 से मल्टीप्लाई करके, 100 है तो पूरे का स्क्वायर करेंगे और अपॉन क्या करेंगे दोस्तों, 10 लेंगे और इंटू जी, जी हमारा आ चुका है और ये हो जाएगा दोस्तों 0.22। तो कितना आएगा देखते हैं, ये आएगा हमारा 278 इंटू 100 स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 0.22, 351। तो किसके अप्रोक्स आ रहा है, 358 के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15 एंड द डिजाइन स्पीड 40 km/h द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन वुड बी। तो दोस्तों देखो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है दोस्तों, बराबर, किसके, सुपर एलिवेशन के। तो हम क्या करेंगे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन समझेंगे पहले तो क्या होता है। देखो सुपर एलिवेशन हम किसके लिए प्रोवाइड कराते हैं, टू काउंटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराते हैं। बट वहां पर आप देखेंगे जो लेटरल फ्रिक्शन है वो भी हेल्प करता है, वो भी हेल्प करता है, बट मुझे क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने सुपर एलिवेशन ही कंसिडर करना है, एफ को हमने कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तब देखेंगे इसका कितना वैल्यू आएगा, मतलब आपने एफ को जीरो लिख देना है, तो ई प्लस एफ इक्वल टू जीरो लिखेंगे, वी स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, मतलब ई का मान निकाल सकते हैं एफ को जीरो रख के, तो ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन जी आर। वैल्यूज पुट करेंगे आपका परसेंटेज में जो भी आएगा निकाल लेंगे, देखते हैं कितना आएगा। वी स्क्वायर ये हम मीटर में उसमें लेंगे दोस्तों, मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 0.278 इंटू 40 स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन जी। जी कितना है, 9.8 या 10 लेंगे, और आर कितना है दोस्तों, आर है हमारा 200 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारा 278 इंटू 40 अपॉन 9.81 इंटू 200, तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.063। और अगर इसको परसेंटेज में बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा, मतलब 6.3%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, हाउ मच सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 250 मीटर एंड स्पीड दिया है 50 km/h। देखो इसमें हमको समझना है मिक्स ट्रैफिक कंडीशन क्या होती है। देखो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में, खासकर इंडिया में, ये हमारा रोड है, इस पर दोस्तों साइकिल भी चलती है, बैल बुग्गी भी चलती है, ट्रक भी चलते हैं, बाइक भी चलती है, मतलब कि इसमें लो स्पीड ट्रैफिक भी चलता है, स्पीड ट्रैफिक और हाई स्पीड ट्रैफिक भी चलता है। तो हम किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, क्या हम लो स्पीड ट्रैफिक के लिए करेंगे या फिर हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए करेंगे। तो दोस्तों हम एक मीडिएटर लेते हैं, मतलब कि बीच में हम क्या करते हैं, मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन को लेके डिज़ाइन करते हैं कि भैया मिक्स है, और हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारी डिज़ाइन स्पीड होती है उसका 0.75 ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा जी आर, और इधर आ जाएगा दोस्तों ई प्लस एफ। ठीक है, एफ का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो आपको एज्यूम करना है 0.15, और ई यहाँ से निकल जाएगा, सभी वैल्यूज रखेंगे। देखो ये वी है आपका मीटर पर सेकंड में, बट यहाँ पे केएमपीएस में दिया है, तो इसको क्या कर लेंगे 0.75 इंटू 0.278। ठीक है,
का स्क्वायर करेंगे और सभी वैल्यू रखेंगे, आपका वैल्यू निकल जाएगा। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, आप करके देखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फॉर ए गिवन रोड सेप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 80 मीटर एंड पासिंग डिस्टेंस इज 300 मीटर। आपने बताना है दोस्तों इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो देखो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होती है, ये होती है दोस्तों 2 times SSD। यहाँ पर SSD दिया है 80, तो ये हो जाएगा 160, मतलब ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन द पार्ट ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मोमेंट ऑफ व्हील ड्यू टू द रोटेशन देन इट रिजल्ट व्हील इन। तो आपको बताने, देखो इसका मतलब सिंपल ये है, ये हमारा व्हील है। तो भाई देखो व्हील के अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और इसी पॉइंट पर आकर मैं ख़त्म करता हूँ, तो इसको बोलते हैं दोस्तों इसका सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो मैं अगर इस पॉइंट से चलता हूँ और इसी पॉइंट पर आता हूँ दोस्तों, एक रोटेशन हम मानते हैं रोटेशन, तो एक रोटेशन में कितना पार्ट ये ट्रेवल करेगा। तो अगर मैं इसको खोल दूंगा तो इतना पार्ट ये ट्रेवल करेगा, कितना, 2πr। बट अगर इतना पार्ट ट्रैवल नहीं करता है, इससे ज़्यादा कर लेता है या इससे कम कर लेता है, तो दोस्तों उस कंडीशन को आपको बताना है। तो यहाँ पर पूछा है द पार्ट ट्रैवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मोमेंट, मतलब जो अब आपका पार्ट ट्रैवल है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ तक तो आपका क्या आएगा, यहाँ तक तो आपका व्हील आएगा, उसके बाद व्हील घूमना बंद कर देगा, व्हील घूमना बंद कर देगा, उसके बाद जो डिस्टेंस कवर करेगा वो करेगा दोस्तों स्किड करके, मतलब फिसल के, क्योंकि भैया व्हील घूमेगा ही नहीं तो क्या करेगा, स्किड करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा लेंथ आई है ये किसके कारण आती है, ये आती है दोस्तों स्किड के कारण, मतलब इसमें होगी आपकी स्किडिंग, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।